चाहिए, इसलिए इंडियन रेलवेज ने अपनी इस स्पीड क्वीन को 12051 को इसको अभी स्पीड क्वीन कहते हैं कोंकण रेलवे का, जिसको हाईली एक LHB जिसे आप LHB कह सकते हैं, ये एक नया कोच अटैच किया है। अभी हो गया है इसको लगभग एक साल हो सकता है, एक साल हो गया होगा, लेकिन ये कोच मेरे लिए तो नया है क्योंकि मैं आज पहली बार इसमें जर्नी करने वाला हूँ, और आप इससे तो आप समझ गए होंगे। और ये कोच है विस्टाडोम, तो ये आपको मैंने क्लू दिया है, इससे तो आप समझ गए ही होंगे कि आज मैं नई ट्रेन से नई जर्नी करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन का एक्सटीरियर देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी ट्रेन है। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कोंकण रेलवे की स्पीड क्वीन जो कि है दादर मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस, और मेरा कोच है E1 जो कि है एग्जीक्यूटिव चेयर का, और इसकी लगभग मैंने टिकट बुक की थी 3-4 महीने पहले। तो मैंने कल देखा कि इसकी विस्टाडोम के सभी कोच के टिकट फुल हो गए। तो देखिए आप कि होली को कितने दिन गाँव जाते हैं, ये देखिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है। अपने रेगुलर टाइम पे ये छूटने वाली है, तो यहाँ पर डोर्स ओपन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए सब लोग चढ़ रहे हैं अभी। तो आज तारीख है 8 मार्च 2020, तो आज है संडे और टाइम हो चुका है 4:30 हो चुके हैं। तो देखने वाली बात है कि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 12051 दादर टर्मिनल से मडगांव यानी गोवा जनशताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि यहाँ से 5:25 को शुरू होने वाली है। और मैं हूँ अभी दादर टर्मिनस ईस्ट में प्लेटफॉर्म 8 पर, अभी मेरे साइड में तो दादर मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अभी देखते हैं, मैं अभी चढ़ूँगा थोड़ी देर में, अभी टाइम है लेकिन ट्रेन को छूटने के लिए। इंडिकेटर्स भी लगा दिए हैं कुछ नंबर के, और अभी सिर्फ वेट करने का है कि कभी छुट्टी है। तो मैं आपको इसके कोचेस के बारे में ज़रा बता देता हूँ कि इसको एक इंजन लगाया जाता है, 12 सेकेंड सीटिंग कोचेस लगाए जाते हैं, 2 AC चेयर कार्स लगाए जाते हैं, और एक जो कि है मेरा E1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो कि लगाया जाता है लास्ट में। इसके भी शायद लिमिटेड कुछ डेट्स है, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ ये ज़रूर नोट कर लीजिए। अब जब टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव चेयर कार के बाजू में आपको RTCLS सस्पेंडेड, मतलब उस दिन ये विस्तारम कुछ नहीं होता है। तो आपको मैं टाइमिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि दादर मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने दादर टर्मिनल से 5:25 को छूटती है, और थाना स्टेशन पहुँचती है लगभग 5:48 पर, और ये उसी दिन चिपलून को सुबह 9:26 को पहुँचती है। और ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन यानी कि मडगांव पर दोपहर को 2:10 को पहुँचती है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 6-8 से 10 घंटे की जर्नी है पूरी। तो अभी हमारी जर्नी को शुरू करने के लिए तो अभी टाइम है, अभी जर्नी शुरू करेंगे, अभी डोर ओपन हो चुके हैं, अभी शुरू से जर्नी शुरू करते हैं। इन द काउंटडाउन ऑफ 5 4 3 2 1 गो। मैं आपको ज़रा विस्टाडोम कोच के एक्सटीरियर बताता हूँ। We'll be right back.
यहाँ से दादर मडगांव जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस चल चुकी है और हमारी एक बार फिर से एक नई जर्नी शुरू हो गई है और इट्स शार्प 5:25 पार्टिंग फ्रॉम दादर वो स्टेशन इज एम्प्टी नाउ राइट। तो अभी हमारा पहला स्टॉप आएगा थाने लगभग 5:48 तक थोड़ा 20-25 मिनट लगेंगे थाना स्टेशन आने तक मतलब वेट करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप दैट इज थाने जिसका स्टेशन कोड है TNI और अभी ट्रेन पहुँच चुकी है 5:53 और ऑफिशियल टाइम था 5:48। ये देखे गार्ड ने सीटी भी बजा दी। तो थाना स्टेशन पे जन शताब्दी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे टोटल आपको थाना स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। और थाना ये स्टेशन मुंबई सेक्शन द्वारा ब्रिटिश काल में 1853 में बनाया गया था। ये भारत में ही बनाया गया था और थाना ये स्टेशन अपने तालाबों की वजह से बहुत फेमस है और यहाँ का सबसे फेमस तालाब है मासूदा तालाब जिसको कॉमनली हम बोलते हैं तालाब वाली। वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम थाने एट अराउंड 5:55 रनिंग लेट बाय ऑलमोस्ट 6 to 5 मिनट्स। हमारा अगला स्टॉप होने वाला है पनवेल जो कि है PNPN वो लगभग 6:30 बजे आएगा। वो ऑफिशियल टाइम है 6:36 AM अभी टाइम हो चुका है 5:56 हम डिपार्ट कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रही है गाड़ी। सेकेंड स्टॉप दैट इज पनवेल जिसका स्टेशन कोड है PNVL और यहाँ पे जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुँच चुके हैं लगभग 6:37-8 बजे तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी लगभग 2 से 3 मिनट लेट है और यहाँ पे जन शताब्दी एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बाहर बहुत कोल्ड वेदर है और अंदर भी AC बहुत है और बहुत मैं इसलिए बाहर आ गया अभी ज़्यादातर समय में बाहर ही रहता हूँ। और यहाँ पर अभी हमारा अगला स्टॉप है सीता चिपलून बीच में कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है और पनवेल पे आपको लगभग 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर लग चुके हैं 7वें प्लेटफॉर्म पर अभी टाइम हो चुका है 6:39 और कोंकण ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे द्वारा चलाया जाता है। यहाँ से हम कोंकण रेलवे की लाइन पकड़ने वाले हैं और यहाँ पे गाड़ी ने सीटी दे दी है। 2 मिनट का हॉल्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होता है जन शताब्दी एक्सप्रेस का और यहाँ पे हमारे पीछे अभी तेजस एक्सप्रेस या फिर डबल डेकर दो ट्रेन आ सकती है ऐसा चांसेस लग रहा है देखते हैं। और ये पनवेल ये अपने पॉपुलर गांव में से एक माना जाता है और पनवेल में करनाला फोर्ट है। यहाँ पे आप ट्रेकिंग करने जा सकते हैं। ये एज यू कैन सी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। अभी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पनवेल से 6:42 को 2 मिनट का हॉल्ट ले लिया पूरा। अभी सीधा अगला स्टॉप आएगा चिपलून जो कि 9:26 को बीच में कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है।
हम लोग वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था, सुबह बहुत जल्दी उठा था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। और कल हम लोग अपने डेस्टिनेशन चिपलून पे पहुँच चुके थे, जिसका स्टेशन कोड है CHI, और ट्रेन का टाइम था चिपलून पे ऑफिशियल टाइम था 9:26, लेकिन हमारी ट्रेन ने चिपलून स्टेशन समय के पहले ही कंप्लीट कर दिया, जो कि हम मान सकते हैं हमारी ट्रेन 9:20 को ही पहुँच चुकी थी चिपलून स्टेशन पे, लगभग ऑफिशियल टाइम के 6 मिनट पहले। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रेलवे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने ट्रेन में, कि अभी ट्रेन समय पर नहीं, समय से पहले ही आ रही है। और हमारा कोच था विस्टाडोम, और मैं बताऊँ तो विस्टाडोम कोच बहुत ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस। टॉयलेट्स भी बहुत ज़बरदस्त है, क्लीन है बहुत, खाना भी बहुत अच्छा है, नाश्ता जो सर्व किया मॉर्निंग को वो भी अच्छा है, और ट्रेन किधर भी रुकती नहीं है क्रॉसिंग को, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। मैंने देखा ना ट्रेन में ट्रैवल किया तो बहुत प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू मांडवी एक्सप्रेस। तो मेरे को तो बहुत जर्नी अच्छी लगी, और यही व्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म भी होता है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जो भी ट्रैवल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ट्रेनों से ट्रैवल करें, हालाँकि पैसे ज़्यादा जाते हैं लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तो हमारी जर्नी यहीं पर एंड होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉय एंड लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सब्सक्राइब टू चैनल, बिकॉज हमें बहुत ही ऊंचा जाना है और हमारे टारगेट को कम्प्लीट करना है। जल्दी से जल्दी आप वॉचर्स जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर ठोक दो, और हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने की आप कोशिश करेंगे, और हमें बहुत ज़रूरी है आपके सपोर्ट की। और हमें बताते जाइए कि कैसे वीडियोस अपलोड करने, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो वीडियो अपलोडर नहीं हूँ और कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी 14 साल का ही हूँ, इसलिए मैं अभी भी सीख रहा हूँ सभी से, इसलिए मेरे को राय बताते जाइए। और आपके पॉजिटिवनेस की वजह से ही मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ। तो प्लीज़ आप 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, 1000 सब्सक्राइबर, कम से कम 1 लाख बहुत लंबा है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए। और यहीं पर हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, तो टेक केयर, और खाते रहिए और ट्रैवल करते रहिए अच्छे से, और अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आने वाला है, और वो भी एसी ट्रेन का ही है, लेकिन आप गेस कीजिए आते वक्त कौन सी ट्रेन होगी। चिपलून से ये थाने के बीच में होने वाला है, तो आप सोचिए कि, और कमेंट में कीजिए कि कौन सी जर्नी हो सकती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।